नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक बार फिर आप लोगों की डिमांड पर एक उस लोकेशन पर जो काफी ज्यादा चर्चित है, काफी ज्यादा फेमस कर रखी है यहाँ की एक्टिविटीज के होने की वजह से। एक्टिविटीज के बारे में बता दूं तो कहते हैं कि ये एक कॉलेज रहा है, एक हॉस्टल भी रहा है साथ में, और कहते हैं कि ये ना यहाँ पर लड़कियां पढ़ा करती थी और यहाँ पर किसी की मौत हुई थी। किस कारणवश हुई थी, क्या हुआ था, कुछ नहीं मालूम, लेकिन कहते हैं इस कॉलेज में, इस हॉस्टल में भी यहाँ पर इतनी एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी। जैसे कोई लैब में हो, कोई लाइब्रेरी में लड़की पढ़ रही हो, तो उसको अचानक से वहाँ पर किसी का दिख जाना, उसके साथ कुछ दुर्घटनाएं हो जाना, उसकी वजह से धीरे 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 ये कॉलेज ये हॉस्टल पूरी तरह से बंद हो गया, वीरान हो गया, सुनसान हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे को ये कोई फिजिकल लैब थी, ठीक है। अभी मेरे को लगा कि जैसे अंदर की साइड में यहाँ कोई खड़ा है, और इसकी हालत आप लोगों को देख के पता चल रही है, ठीक है। ऐसी वीरान जगह पे ना अक्सर ऐसी चीजें होती है कि जो चोर वगैरह होते हैं, जो चेंजलेटर होते हैं ना, जैसे लोहे की चीजें होती है, जैसे खिड़कियां हो गई, जैसे तारे वगैरह हो गई, ये सब निकाल कर वो इन चीजों को ना बेच दिया करते थे कि कुछ पैसे मिल जाए उन पर, वो अपना नशा वगैरह कर सके, ठीक है। आवाज आएगी, और ठीक इसके सामने केमिकल लैब और जीव पत्थर यहाँ पर खस के आया है। अगर कैमरे से रिकॉर्ड हुआ हो तो दोस्तों, ये कॉलेज इतना बड़ा है, ठीक है, आवाज गूंज रही है। देखें आप जो कोई भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार मेरे सामने आए, मुझसे बात करें, क्या कोई यहां मौजूद है जिसको मेरी आवाज सुनाई दे? कुछ हरकतें हो रही है, ठीक है, कोई चीज, लेकिन अभी तक ऐसे मेरे को नजरों के सामने नहीं दिखे। बस एक बार ऐसा नजरों का बहन सा लगा कुछ से, क्या हो रहा है, इतना धुआं धुआं सा क्यों हो गया है भाई? कौन है यार? ये इस तरफ में भी एक शायद रूम रहा होगा। देखें आप जो कोई भी हम मौजूद हैं, हम आपको यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आए, ना ही आपको परेशान करना है। अंदर करके तो ये पीछे जो, लेकिन अभी ऊपर जैसे लगा कोई जा रहा है।
होने वाला। कौन है यहाँ पर? दोस्तों मेरे को अभी सीढ़ी के पास ऐसे लगा कि ऊपर की तरफ में कोई कौन है यार? देखिए आप जो कोई भी है मेरे सामने आए, मुझसे बात करें। आवाज आ रही है यहाँ पे, हॉल इतने बड़े बड़े आवाज पहुंच रही है, उसमें से कीड़े भी हो पा रहा है, आवाज नीचे से आ रही है। कौन है इधर? दोस्तों सच बताऊंगा कि मैं आप लोगों की डिमांड पर इस लोकेशन पर आ तो गया हूँ, लेकिन आने के बाद अब मेरे को एक पल के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद किसी लोगों को और नहीं आना चाहिए था। और एक अजीब सी धमधम सी आवाज आ रही है। देखिए आप जो कोई भी हैं, मैं जानता हूँ कि आपको मालूम है कि हम यहाँ पर मौजूद है और आप हमें देख भी रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक बार आप हमारे सामने आए। कौन है यहाँ पर? कौन है यहाँ? एक आवाज आ रही है नीचे से, जैसे कुछ हरकतें हो रही है, लेकिन पता है काफी देर हो गई है हम इस जगह पर, लेकिन कोई चीज ना सामने नहीं आ रही है। ओ, 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 भाई, 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 भाई। कौन है वो? कौन है वो? अभी लगा कि यहाँ पे ना कोई खड़ा है, जैसे ही मैं अंदर आया वो चीज यहां से गायब है। ओ ओ ओ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कौन है वो? ओ भाई दो बार ये चीज कैमरे के सामने आ गई है, ठीक है, बट अभी तक इसने हम पे हमला नहीं किया है, और मैं चाहता हूं ना जब तक मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि ओ तेरी। वो चीज इधर से निकल के इधर घूम गई, बट कैमरे मौत है। देखें आप जो कोई भी यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको नुकसान पहुंचाने। ओ शिट,
कैमरे के सामने आ गई है। ठीक है, मैंने दो तीन बार उस चीज को खुद अपनी आंखों से देखा और हो सकता है कि कैमरे में मेरी गॉड हुई हो। जिस तरह से वो रूम के अंदर जा रही है अचानक से गायब हो रही है, सच में इस टाइम मेरी हालत ऐसी है कि मेरा दिमाग सिर्फ इतना सोचने पे मजबूर है कि मैं यहाँ पर कुछ और लोगों को लेकर क्यों नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो कि वो चीज इस पर हावी हो जाए। अजीब सी हरकत हो रही है यहाँ पर। देखें आप जो कोई भी है यहाँ पर मौजूद है, मैं आपको परेशान कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा नहीं आया हूं। भाई मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि जो काम हम यहाँ पर करने आए थे, क्योंकि किसी भी हॉन्टेड जगह पर जाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना होता है ताकि मैं आप लोगों को ये चीज दिखा सकूं कि वो जगह रियल में हॉन्टेड है या नहीं, और यहाँ आने के बाद ये चीज क्लियरली साबित हो चुकी है कि यहाँ पर कुछ तो ऐसा मौजूद है जो ठीक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर और देर रुकना खतरे से खाली नहीं हो सकता। ठीक है, जान को जाना मेरे को ऐसा लग रहा है। हो सकता है लाइट की वजह से आंखों पे वो पड़ रहा है ना, तो उसका रिफ्लेक्शन बनता है। मेरे को भी लगा कि जैसे अंदर की तरफ में कोई खड़ा है। तो दोस्तों यहाँ पर अब और देर रुकना खतरे से खाली है, खाली नहीं है। हाँ लगावट में कुछ भी बोल रहा हूँ, यहाँ से निकलना दोस्तों वो चीज शायद अभी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हुई है। ठीक है, अब यहाँ पर एक पल भी मैं नहीं रुक सकता। दोस्तों यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों की डिमांड थी कि आप एक बार गर्ल्स हॉस्टल जाओ और विजिट करो, देखो वहाँ क्या है। तो ठीक है, आप लोगों की डिमांड पर मैं यहाँ पर आया और मैंने देख लिया यहाँ पर जानकर इसके। अब यहाँ पर एक पल भी मैं नहीं रुक सकता। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना आपकी राय, आपका ओपिनियन सब कुछ आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लेना। और मैं यहाँ से निकलता हूँ, बाय।